ये अपना डालने के लिए। तो -2 डिग्री है वो टेम्परेचर यहाँ का दिख। हाँ भाई विजेंद्र, कैसा लग रहा है टेंट लगा के? हंसी आ रही है। हंसी आ रही है क्यों? इतना बढ़िया जो है मौसम है, और ये देखिए लोकेशन देखिए आप, कहाँ पे जो है टेंट लगाया है हमने। आपको बता दे कि हमने लगाया है कहाँ पर, जिस्पा। ये है रोलिंग स्टोन रेस्टोरेंट, इसके सामने जो है हमने जो ये टेंट लगाया है। फाइनली जो है हम पहुँच चुके हैं कहाँ, जिस्पा में। और ये वहाँ पर हमने एक होटल के सामने जो है कैंपिंग की है, वहाँ से जो परमिशन उनसे ली है, उन्होंने जो है 500 रुपये बोला है, और वो उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी हमें देंगे, और हमें जो है अपनी जो जगह है होटल के सामने वो इन्होंने दी है टेंट लगाने के लिए। तो आइए जो है आपको जो टेंट है वो थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरफ है जो अपना ड्रोन यह सब जो बाहर से जो है फ़ोन चार्ज है वो हो रहा है। बैग यहाँ पर अपना कैमरा का बैग है, राइडिंग जैकेट है, ये ड्रोन वाला बैग है, और इस तरफ देखिए तो लैपटॉप है, हेलमेट है, और बैग लगाया हुआ स्लीपिंग बैग ये यहाँ पर है। अब जो है आपको जो है बाहर का जो व्यू है वो यहाँ का दिखाते हैं, और बताना आप जो है इज इट वर्थ इट और नॉट। ये है जो अपने जो बाहर का व्यू है, बस मैं जो आपको है जूम करके दिखाता हूँ। वहाँ पर पहाड़ों का रास्ता, ये देखिए वहाँ पर कितनी जो है बर्फबारी जो है हो रखी है, और अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो है बारिश हो रही थी, और अब जो है एकदम हवाएं तो अभी बहुत ही तेज़ चल रही है, सर्दी लग रही है। जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा ना, आते ही जो है सिर दर्द होने लगा, और ये लगा कि हाँ भाई अल्टीट्यूड पे आप जो है पहुंच चुके हो। तो मैंने आते ही सबसे पहले काम ये किया कि जो डायमोक्स टैबलेट थी वो ले ली, और पानी पीते ही यहाँ पर जो है चाय थोड़े उनसे बनवाई, और अब जो फिर जाके आराम किया। उसके बाद अब बिल्कुल ही फ्रेश फील कर रहा हूँ, क्योंकि एकदम हम मनाली से यहाँ पर जिस्पा में आ गए हैं, तो एल्टीट्यूड काफ़ी बढ़ गया है। तो ये सीन है, वी ऑलवेज वांटेड टू डू कैंपिंग। तो कैंपिंग करके देखते हैं, खाने का अपने पास सब कुछ है। इस तरफ ही जो है शॉप से मैगी वगैरह जो भी मन करेगा ले लेंगे, और आई वांटेड टू एक्सपीरियंस दिस कैंपिंग एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। रात को कहीं ज़्यादा सर्दी तो नहीं लगेगी, ये जो है देखेंगे रात को पता चलेगा वो तो। ये अपना जो कैंप है डिकैथलॉन से हमने लिया था।
अब हम जो है अपनी जो है पहाड़ों की जो मैगी है वो बनाने जा रहे हैं। ये हमने जो ले लिया है अपना गैस चूल्हा, ठीक है गैस हमारा जो है ऐसे पकड़ के थोड़ा सा घुमा देना है, ये हो जाएगा। इसको ले जाए रख दिया है यहाँ पर और इसके नीचे हमने ये लगा दिया। अब अच्छे से टाइट पूरा घुमा दिया। तो अब गाइस अब चलाते हैं हम आग, ठीक है। किस बड़े घुमा रहे हो? तो गाइस अपने चूल्हा है वो जल चुका है, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले क्या डालते हैं? सबसे पहले हम डालेंगे पानी, बैग का ये दूर सा करिए। मुझे लगता है इतना काफ़ी रहेगा दो के लिए, दो बना ले होते हैं शुरू में, थोड़ा सा और डाल देते हैं। जब जिंदर भाई कह रहे हैं कि थोड़ा सा डाल देते हैं, थोड़ा सा ही पानी डाला। पहले मसाला डाला जाए या पहले पानी को उबलने दिया जाए? पहले पानी को थोड़ा सा उबलने देते हैं। ये लीजिए थोड़ा सा इसको क्रश कर देते हैं। क्रश कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा चम्मच वगैरह इतना हमारे पास है नहीं कुछ, हम हाथों से खा लेंगे। गैस थोड़ी सी बढ़ा दी है जल्दी, और इतनी सर्दी में जब आग भी सेक लेते हैं हम, ये सर्दी बहुत लग रही है यहाँ पे, ठंड बहुत ही ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर है वो यहाँ का हो रखा है। और चेक करो फोन में फिर पता चलेगा आपको। हाल फिलहाल 3 डिग्री सेल्सियस है, 3 डिग्री सेल्सियस है वो शो कर रहा है, और रात को हो जाएगा -5। ये देख लीजिए आप, 3 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है, रात को -5 हो जाएगा। देख पा रहे हो आप, ये है यहाँ का सीन। पानी मुझे लगता है थोड़ा बहुत गर्म हो गया होगा, डाल दिया जाए, अभी वेट करें। तो विजेंद्र भाई का कहना कि थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं। वैसे आज की रात सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट नाइट है मोस्टली, अदर नाइट्स आर द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग -2 -1 0। तो आज सबसे ज़्यादा जो है ठंड रहने वाली है। लीजिए मैं अब मैगी डालने ही वाला हूँ, आई थिंक मेरा सब्र का हो गया टूटने वाला है। खोल ले, पूरा खोल ले। तब तक मैं ये मसाला है वो डाल देता हूँ। एक मैगी डाल दी, अब दूसरी मैगी डालने जा रही है। और ये लीजिए दूसरी मैगी का मसाला, दूसरी मैगी में भी मसाला डालते हैं। पर यहाँ पर जगह थोड़ी है, जैसे मैगी बिना मसाले के अधूरी है ना, टूर बिना कैंपिंग के अधूरा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का जो एक टूर है उसमें हमने डिसाइड किया है कि कैंपिंग करते हैं, और अब है हम कहाँ पर हैं? लाहौल स्पीति। लाहौल में आई थिंक जिस्पा है वहाँ पर हम हैं, और हल्का ये है हमारी चम्मच, अब इसको हिलाते हैं, ये देख लीजिए। वाह बढ़िया। अब आपको जो है
अपने बनने ही वाली है लग रहा है थोड़ी देर, और इसका ढक्कन भी शायद बंद कर देते हैं कि और जल्दी बन जाएगी। ये अपना डालने के लिए आयम खा लिया। दो हमारे पास कटोरी भी है, दो कटोरी भी अपने पास। इसको एक दो मिनट चलते हैं देते हैं, तब तक हम बाप में अपने जो हाथ है वो सेक लेते हैं। और मैगी की खुशबू आनी शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए भाप उड़ने लगी है वैसे। और ओहो, आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा, उठाइए एक बार, ये देखिए आप। इसको थोड़ी देर और छोड़ते हैं, थोड़ी धीमी आंच पे, और फिर खाने के लिए मैगी होगी तैयार। चलो जी, चलो जी। और अगली बार की मैगी में हम प्याज और टमाटर और काट के डालेंगे। पर हमारे पास नाइफ है नहीं, चक्कू नहीं है, प्याज भी नहीं है, टमाटर भी नहीं है, कहीं ना कहीं से वो ले लेंगे। थोड़ी ये देखिए गाइस, सफ़ेद सफ़ेद रह रखिए, अभी थोड़ा सा और पकेगी है, उसके बाद हो जाएगी अपनी मैगी तैयार। ढकता थोड़ा सा ढक्कन और ढक देते हैं। लीजिए, तो गाइस हमारी जो मैगी है वो तैयार हो चुकी है, और एक बार और ढक देते हैं, तब तक फिर हम सर्व करते हैं। फ्लेम है उसको हमने बिल्कुल ही कम कर दिया है। वाजवाब वाजवाब, बढ़िया बढ़िया, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैगी अपने बन के तैयार है। सूप डालो, इसको ऊपर डालो, ये चटनी डालो। ये सूप हो गया अपना तैयार, कि मैगी में हमने जो है पानी है वो थोड़ा सा रख लिया था, इसके साथ खा लिया। तो लीजिए टेस्ट करने जा रहे अपनी मैगी को। डिंग डिंग डिंग, रखा ले, तंगी बिछा ले, मुझे ले लेना, इनके कहीं जाए। तो गाइस मैगी सूप अपना वो पीते हैं ठंड में, बढ़िया बढ़िया जायका है, विदाउट कुछ प्याज टमाटर हरी मिर्च इन सब के डाले, फिर भी बढ़िया लग रही है, क्योंकि सर्दी लग रही थी और भूख भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। आज ऑफिस के चक्कर में हम लंच नहीं कर पाए, बढ़िया बढ़िया, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद। रात के जो है 8 बज चुके हैं, और थोड़ी देर पहले जो है मैगी खाई थी हमने, और अब क्या है कि मेरा मन तो कर नहीं रहा है डिनर वगैरह इन सब करने का। ये देखिए, ये अपना जो है दूध लिया हुआ है, बिस्किट लिया हुआ है, ये ऐसा जो सीन रहता है। होता ही है कि जब हम कैंपिंग के ये वीडियो देखते हैं ना दूर दूर से, ये सब जो बढ़िया लगते हैं। फ़ोन पता नहीं कहाँ रख दिया, अभी हम हैं 0 डिग्री टेम्परेचर पर, और रात को उम्मीद है कि -4 या -5 के आसपास जो है टेम्परेचर पहुँच जाए। और ये जो है सस्ती सी मैंने जो एक वो लिया था स्लीपिंग बैग,
और ये है अपने पास, और एक ये ऑर्डर की थी मैंने, फ्लीस बोलते हैं इसको। तो दो ही चीज़ है, और अंदर से जैकेट पहनी हुई है, अंदर से फिर टी शर्ट पहनी हुई है, टी शर्ट के अंदर एक और ये गर्म है, इसके अंदर फिर एक और बनियान है। तो लेयर तो काफ़ी कर रखी है, फिर भी सर्दी लगी रही थी, और देखते हैं मतलब कि कैसे कटती है रात। ये दिस आई थिंक पहली बार है कि मैं कैंपिंग कर रहा हूँ रात को, तो देखते हैं कैसी कटती है रात। लेकिन नींद भी आती है नहीं आती है, जो भी सीन रहता है बताता हूँ आपको। पर यह क्या, जैसे ही हम मनाली से यहाँ पर आए हैं एक दिन में, मनाली से जिस्पा के, और तो थोड़ा सा एल्टीट्यूड सिकनेस है वो हुई थी, एकदम जो है थोड़ा सा हाइट पे चले जाते हो ना तो लगता है कि हाँ रहता है थोड़ा। अब हम जो है दूध है अपना वो गर्म कर रहे हैं, रात के बज चुके हैं 9, दूध पीकर और उसके साथ ही गुड्डे बिस्किट लिए हमने, गुड्डे बिस्किट खाकर हम सो जाएंगे। तो गुड नाइट फ्रॉम जिस्पा। सुबह के जो है 4 है वो बज चुके हैं, और टेम्परेचर है -2 डिग्री वो दिखा रहा है। नींद बढ़िया आई, कोई इतना इशू रहा नहीं है, बस एक बार ही अभी 4 बजे जो है आँख खुली थी और थोड़ा बाहर टॉयलेट के लिए गया था, तब तो बहुत ही सर्दी लगी थी, वैसे सर्दी लग नहीं रही है, सब बढ़िया है। और थोड़ा सा हेडेक हो रखा है, सिर दर्द, और कुछ इतना ज़्यादा वो कुछ है नहीं एक्सट्रीम के। ये जो फ्लीस ली हुई है मैंने अमेजोन से, ये बढ़िया काम कर रही है, ये बहुत ही गर्म रख रही है। जैसे ये पुराना पड़ा हुआ था मेरे पास, ये स्लीपिंग बैग, वो वही यूज कर रहा हूँ। और तो कैंपिंग भी आज करके देख ली, बढ़िया है। देखेंगे कल रुकेंगे, कैंपिंग करेंगे या नहीं करेंगे, पर अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपने ले लिया है। बकेट लिस्ट अपनी एक कम्प्लीट हो चुकी है कि माउंटेन्स में जाके कैंपिंग करना। तो कैसे हो आप सभी, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू यू फ्रॉम जिस्पा। 4 बजे के बाद नींद आई नहीं है, सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं लगी है, पर यह था कि 4 बजे के बाद जो है थोड़ा रहा सिर में दर्द वगैरह ये सब। तो -2 डिग्री है वो टेम्परेचर यहाँ का दिखा रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो -2 डिग्री। तो ये सीन है यहाँ का। आइए थोड़ा सा पानी गर्म कर लेते हैं। अब आपको जो है बाहर का जो व्यू दिखाते हैं वो इस तरीके का है। तो अभी जो है जिस्पा में अपन घूम रहे हैं, और दूर उस तरफ पहाड़ की चोटी पे बहुत ही ज़्यादा जो है बर्फ है वो है, ठंड बहुत ही ज़्यादा है, कैप पहननी पड़ रही है, जैकेट पहननी पड़ रही है, फिर भी जो है सर्दी लग रही है। तो ये है यहाँ का सीन, मेनली यहाँ पर कैंपिंग के लिए जो लोग हैं वो आते हैं।